हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपनी चैनल विवाहस लाइफ में। होप करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम लोग भी व्यस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा उन लोग को पता होगा। तो अभी सुबह का देखिए बज रहा है 6:30-7 हो रहा है, तो हम लोग द्वार पे ही सारे लोग बैठे हैं और ये बरखू इधर फूल अपना गोड़ रहा है, मतलब उसको क्या कहते हैं, पानी भरा था फिर उसकी मिट्टी को खोद रहा है सारे फूल को। और सारे लोग का चेहरा देख करके आप समझ सकते हैं कि मतलब हम लोग पे क्या, सब एकदम बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखा होगा उन लोग को पता होगा कि वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बरखू के फ्रेंड भी थे और उसके बाद अलका के भी फ्रेंड थे, और मम्मी जहाँ रहती थी वो मकान मालिक के बेटे थे। तो उनको अचानक ही सोए सोए वो चले गए, और वो शुक्रवार का ही बात है, आज का नहीं। और इसके बीच जो वीडियो जा रहा था मेरे यहाँ, ये परी ही डाल रही थी इधर उधर से लेकर के, हम तो वीडियो भी नहीं डाल पा रहे थे और लाइव भी इधर 3-4 दिन से नहीं आए, एकदम मन ही नहीं कर रहा था। तो ये तो आज फिर हम सोचे कि थोड़ा बहुत डालते हैं। और ये बरखू इस लगाया, आप जब देखते थे कि आप लोगों ने तो देखा ही है कि हम लोग जब भी वीडियो बनाते थे बरखू कितना अच्छे से एकदम कमेंट्री करता था और बोलता था। आज तो देखिए सबके चेहरे पे एकदम मतलब उदासी है, कोई खुश नहीं है। इधर अलका भी है, इसके भी वो दोस्त थे। और अगर अगर कुछ आदमी को हुआ रहता है, कुछ दवा चलता है, बीमार रहता है, तो कुछ समझ में भी आता है। और इनको ना कुछ हुआ, ना तबीयत ख़राब, ना कोई दवा, कुछ भी नहीं, अचानक ही सोए सोए अभी 36-37 साल के थे, 36 साल के थे, और अभी 1-1.5 साल हुआ है उनकी शादी हुए, और उनके जाने के बाद हम लोग का ये हाल है। तो सोचिए उनकी वाइफ का क्या हाल होगा, इसका तो आप लोग अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता कि उनके पे क्या बीत रही है, हम लोग कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बस इसीलिए मेरा ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ना लाइव हो पा रहा है, ना कुछ, बस उन्हीं में एकदम हम शॉर्ट वीडियो डाले हैं। जिन जिन ने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए, और 1 मिनट का वीडियो बनाए हैं लेकिन फिर डालने का हिम्मत ही नहीं हुआ कि पता नहीं वो यूट्यूब वाला क्या लेगा कि नहीं लेगा, इसलिए हम नहीं डाले हैं। तो बस यही सब चल रहा है, इस बार जितना ही हम सोचे थे कि अच्छा वीडियो बनेगा उतना ही मेरा कुछ नहीं हो पाया। और बरखू भी अपना, सब लोग अपना बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, भूल नहीं पा रहा है कोई। मम्मी है, सब्जी अंडे का सब्जी है ना मम्मी, अंडे का सब्जी, चावल और तो कुछ नहीं। मामी काम कर रही हैं, मामी नहीं दिखी, गुड़ सब्जी सुबह सुबह रस्से वाला। परी ही लेकर के रिकॉर्डिंग कर रही है, हम लोग तो बैठे थे एकदम कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, इसीलिए देख रहे हैं 3-4 दिन से हम लाइव भी नहीं आ रहे हैं। और जितना पहले का वीडियो था परी ही डाली थी आप लोगों को जैसा बताए, और आज भी यही परी ही रिकॉर्डिंग कर रही है। तो बस हम लोग ऐसे ही बैठ के बस उन्हीं का बात हो रहा है, मतलब कुछ भी हो किधर से भी घूम फिर के बस उन्हीं का बात आ जा रहा है, और कुछ नहीं, एकदम दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। तो जब हम लोग का ये हाल है तो सोचिए उनके घर वालों पे, उनकी वाइफ पे क्या बीत रहा होगा, ये तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। सो फ्रेंड्स, खाना बन गया, हम लोग खा लिए हैं, और आज हमको अभी लगाना था मेहंदी, इसलिए नहाए भी नहीं हैं। और देखिए गांव पे आए हैं तो मिला है पत्ता वाला मेहंदी, वो लगाए हैं। पत्ता वाले मेहंदी से क्या है ना, गर्मी है तो सर ठंडा भी रहेगा और अच्छा भी रहता है। तो अभी हम पत्ता वाला मेहंदी पीस करके मम्मी मेरी छोप दी है पूरे बाल में। तो अभी बस यहीं छत पे, ये देखिए बालकनी है, उसी पे लेटे हैं। ये पत्ता वाला मेहंदी ना बहुत झड़ रहा है, तो नीचे खराब कपड़ा बिछाए हैं। ये जैसे जैसे सूख रहा है ना, पूरा पत्ता एकदम झड़ते जा रहा है। इसको सिल बट्टे से पीसते तो अच्छा रहता, लेकिन हम सिल बट्टे पे नहीं पीसे जल्दी के मारे कि जल्दी से पिसा जाए, इसलिए हम मिक्सर में ही पीस दिए।
बहुत महीन पीस दिए थे, लेकिन फिर भी है, जितना सिल बट्टे का पीसा हुआ जो आता है अच्छा, मतलब एकदम लसम रहता है, उसमें चिकनापन रहता है, उतना मिक्सर में कितना भी महीन पीस लीजिए वैसा नहीं आता। लेकिन हम पीस दिए थे मिक्सर में ही, सिल बट्टा कौन चलाए आजकल में, तो इसलिए ये थोड़ा दरदरा है तो झड़ रहा है। ये देखिए कपड़ा बिछाए हैं नीचे, उसी पे झड़ेगा। तो अभी मेहंदी लगाए हैं, अभी मेरा मेहंदी सूखा नहीं है, सूखेगा तो नहाएंगे अभी शाम को आज। तो अभी बस यहीं पे सो रहे हैं, खा के सो गए, सब लोग नीचे चले गए हैं। यहाँ अलका सोई थी, जमाई आ रहा है, अलका सोई थी। अभी मेरा सर भी अच्छा एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, अब चल रहे हैं हम भी सोएंगे और शाम को फिर बाल धुलेंगे। और मौसम आज का बादल है, धूप भी है, लेकिन ठीक है, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, इसलिए हम यहीं पोर्च पे ही हैं, बारजे पे ही, खटिया पे। खटिया पे अच्छा लगता है हमको लेटना। हम लोग के यहाँ तो हमेशा बस चौकी ही मिलता है, चौकी बेड यही सब, लेकिन खटिया नहीं। तो हमको खटिया पे लेटना पसंद है, इसलिए हम खटिया पे लेटे हैं। अब यहीं पे थोड़ा सोएंगे, उसके बाद उठेंगे तो बाल धुलेंगे। तो चलिए मिलते हैं शाम को। अलका उठो। देखिए फ्रेंड्स, हम मेहंदी लगाए थे तो धुल लिए पत्ता वाला मेहंदी, लेकिन सारा अभी और बाल में फंसा है, और धुल के फिर खाना खा के सो गए थे। और अभी हम लोग को नाश्ते में मिला है पास्ता, नाश्ता में पास्ता। अभी अलका इधर सो रही है, अभी इसको जगा रहे। ए, उठो, नाश्ता आ गया, नाश्ता आ गया है, उठ जाओ। पास्ता ये अभी नींद में है, देख रही हूँ। और ये अभी हम लोग चल रहे हैं नाश्ता करने पास्ता का, तो अभी बाहर जाएगा ना बाहर। चलो ठीक है, बाहर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद शाम को हम लोग, छाया हो गया था द्वार पे तो निकल गए थे। अभी छाया है, हवा अच्छा से चल रहा है, मतलब हवा बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अभी जगह जगह कभी कहीं कहीं बारिश हो रहा है, तो इसलिए हवा अच्छा चल रहा है। और ये चाची आई हैं, और चाची की लड़की हैं, तो ये लोग भी आई हैं, और ये चाची के लड़की के दोनों बच्चे हैं, और सब लोग, अलका मम्मी और बरखू, सब लोग बैठ के बस वहीं उन्हीं का बात हो रहा है। और जितना ही इस साल हम सोचे थे कि गर्मी में बहुत ही अच्छा ब्लॉग मेरा जाएगा, आप लोगों से बोले थे, उतना ही, मतलब पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ, उधर मेरा भी तबीयत ख़राब, और इसके बाद ये कांड हो गया, मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा इस टाइम। जितना भी छोटा मोटा वीडियो बन पा रहा ये परी बना दे रही है, वहीं भेज रहे हैं। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे साथ बने रहें हर वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।